नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। अहमदाबाद के साइंस सिटी का सक्सेस पवेलियन एक शानदार पहल, 20 वर्ष पूरे होने के उत्सव का गवाह बना। प्रधानमंत्री मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर पर आयोजित इस समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात को ब्रांडिंग नहीं बल्कि बॉन्डिंग का आयोजन बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये वो संबंध हैं जो उनके और गुजरात के नागरिकों और उनके सामर्थ्य से जुड़ा हुआ है। पीएम मोदी ने उस समय की चुनौतियों को याद किया जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इस आयोजन की पहल की थी। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात राज्य का आत्मविश्वास बढ़ाने और विश्व के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करने का माध्यम बन गया। पीएम ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के मूल तत्व विचार, परिकल्पना और कार्यान्वयन हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात पहल एक ऐसे दौर में की गई जब गुजरात को दुनिया में बदनाम करने के प्रयास हो रहे थे। पीएम मोदी ने गुजरात के विकास में रोड़े अटकाने के तत्कालीन यूपीए सरकार के प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि विदेशी निवेशकों को धमकाया जाता था, उसके बावजूद निवेशक गुजरात आए। कार्यक्रम में उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कामयाब सफर की सराहना की, साथ ही पीएम मोदी के विकास के विजन को भी सराहा। पिछले 20 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट गुजरात को एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाने से नए भारत को आकार देने तक विकसित हुआ है। वाइब्रेंट गुजरात की अद्वितीय सफलता पूरे देश के लिए एक आदर्श बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में साइंस सिटी का दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां रोबोटिक्स गैलरी, नेचर पार्क, एक्वेटिक गैलरी और शार्क टनल का जायजा लिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले रोबोटिक्स गैलरी को देखा, जहां रोबोटिक्स की अपार क्षमता को शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। पीएम ने इस बात पर खुशी जताई कि कैसे रोबोटिक्स प्रौद्योगिकियां युवाओं में जिज्ञासा जगा रही हैं। पीएम मोदी ने रोबोटिक्स गैलरी के कैफे में रोबोट द्वारा परोसी गई एक कप चाय का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने गुजरात साइंस सिटी में स्थित नेचर पार्क का भी अवलोकन किया। ये पार्क न केवल जैव विविधता को बढ़ावा देता है बल्कि लोगों के लिए एक शैक्षिक मंच के रूप में भी कार्य करता है। पीएम मोदी ने साइंस सिटी में जलीय गैलरी का भी अवलोकन किया। इस गैलरी में जैव विविधता और समुद्री जीवन का नजारा होता है। ये गैलरी हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के गतिशील संतुलन को दिखाती है। पीएम मोदी ने जलीय गैलरी के अवलोकन को शिक्षाप्रद अनुभव बताया। उन्होंने कहा इससे जलीय जीवन के संरक्षण की भी सीख मिलती है। पीएम मोदी ने शार्क टनल का भी अवलोकन किया। इसमें शार्क प्रजातियों की विविध श्रृंखला को प्रदर्शित किया गया है। पीएम मोदी ने इस अनुभव को रोमांचकारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने छोटा उदयपुर के बोडली में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य को इन विकास परियोजनाओं की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंच पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री द्वारा मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र 2.0 परियोजना की आधारशिला भी रखी। इससे गुजरात के सभी जिलों और ब्लॉक्स में विद्या समीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ोदरा जिले के तालुका सिनोर में ओद्रा दाभोई सिनोर मालसर आसा रोड पर नर्मदा नदी पर बने नए पुल सहित कई विकास परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा उदयपुर में जलापूर्ति परियोजना, गोधरा पंचमहल में एक फ्लाईओवर ब्रिज और दाहोद में केंद्र सरकार की ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना के तहत बनाए जाने वाले FM रेडियो स्टूडियो का भी शिलान्यास किया। बोडली में सार्वजनिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लंबे समय से दलितों, आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों को वंचित रखा गया। आज़ादी के इतने दशकों बाद उन्हें आदिवासियों के गौरव और सम्मान के लिए काम करने का अवसर मिला।
गुजरात के बड़ोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन जनसभा में शिरकत की। बड़ोदरा सभा स्थल पर प्रधानमंत्री के पहुंचते ही मातृशक्ति का जोश आसमान से बातें कर रहा था। मंच पर पारंपरिक तौर पर स्वागत और उसके बाद एक एक कर विभिन्न योजनाओं की लाभार्थी महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात। महिला आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों की मंशा अधिनियम को पारित कराने की कभी रही ही नहीं। प्रधानमंत्री ने बड़ोदरा की सभा में ये भी स्पष्ट किया कि विपक्ष की मंशा कभी भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं रही। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष की नीयत साफ होती तो किंतु परंतु का प्रश्न नहीं होता। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि जब वो गुजरात में बतौर मुख्यमंत्री थे तब भी वो सभी योजनाएं महिलाओं को केंद्र में रखकर लागू करते थे। साल 2014 के बाद देश के विकास को भी महिलाओं को केंद्रित कर किया जा रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत के खिलाफ की गई गलत बयानी के बाद से भारत भी लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कनाडा पर सीधा हमला बोला और कहा कि कनाडा संगठित अपराध को संरक्षण देता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा ने अभी तक अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है। इससे पहले भी विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूएनजीए के मंच पर भारत की ओर से बात रखते हुए बिना नाम लिए कनाडा को संदेश दिया था। उन्होंने कहा कि कुछ देश सियासी सहूलियत के हिसाब से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर एक्शन ले रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि कुछ देशों की पसंद के हिसाब से क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। अभी भी कुछ देश ऐसे हैं जो एक तय एजेंडे पर काम करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता और इसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए। चीन के बारे में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं रहा है, इसमें हमेशा समस्याएं रही हैं। उन्होंने कहा कि 1975 के बाद से सीमा पर कभी भी कोई घातक सैन्य और युद्ध की घटना नहीं हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर में धीरे धीरे चीनी नौसेना की बढ़ रही मौजूदगी को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में चीन की नौसेना अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही है, लेकिन हम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। कनाडा की भारत को लेकर गलत बयानी के बाद से कई देश भारत के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों ने भारत के ट्रैक रिकॉर्ड की सराहना की है और कनाडा के द्वारा पहले भी इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को लेकर घेरा गया है। कावेरी जल बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर गर्माता जा रहा है। तमिलनाडु को पानी छोड़ने के सरकार के फैसले के खिलाफ बेंगलुरु बंद रखा गया। बंद का आह्वान भाजपा और जेडीएस द्वारा समर्थित किसानों और कन्नड़ संगठनों द्वारा किया गया था। बंद के मद्देनजर पूरे शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई। तमाम स्कूल, कॉलेज और निजी संस्थान बंद रहे। सड़कों पर लोग नदारद रहे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में गांधी जी की प्रतिमा के करीब धरना दिया। बीएस येदियुरप्पा ने कांग्रेस सरकार पर तमिलनाडु की डीएमके सरकार के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन में भाजपा के तेजस्वी सूर्या भी शामिल हुए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर कावेरी विवाद को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विपक्षी दलों पर कावेरी विवाद का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कावेरी जल नियामक समिति ने 3000 क्यूसेक पानी छोड़ने का प्रस्ताव रखा है। खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ एनआईए एक्शन मोड में है। गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ मामले में पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित 6 राज्यों में एनआईए की छापेमारी हुई है। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा और अर्श दल्ला गिरोह के सहयोगियों से संबंधित 51 स्थानों पर भी छापेमारी जारी है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने अनोखी पहल करते हुए दिल्ली मेट्रो में मेट्रो ट्रेन रैप और मेट्रो ट्रेन पैनल में ट्रेवल फॉर लाइफ और इनक्रेडिबल इंडिया का अभियान शुरू किया। ये अभियान आज से एक महीने के लिए दिल्ली मेट्रो की येलो और ब्लू लाइन पर एक एक ट्रेन में चलेगा। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोरखनाथ मंदिर से बच्चों से भरी पर्यटक बस को कुशीनगर के लिए रवाना किया। ये बस बच्चों को कुशीनगर ले जाकर वहां भ्रमण कराएगी। बच्चों को भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल के साथ ही अन्य मंदिरों पर ले जाया जाएगा।
G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 शिखर सम्मेलन की प्रगति की समीक्षा की। सभी कार्य समूहों को हर महीने परिणामों की रिपोर्ट भेजनी होगी। पंजाब के मोहाली जिले के कुराली गांव में स्थित इंडस्ट्रियल फोकल पॉइंट में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। घटना में 5 मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना से 2 गंभीर मजदूरों को मोहाली सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने हमारे बुजुर्गों की देखभाल संस्थागत प्रतिक्रियाएं भारत एजिंग रिपोर्ट 2023 तैयार की है, जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों के प्रति सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की प्रतिक्रिया को सामने लाती है। 2036 तक हमारे देश की 14.9% आबादी वरिष्ठ नागरिकों की होगी। यूपी के मथुरा स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दिल्ली के शकूर बस्ती से मथुरा जंक्शन के लिए रवाना हुई EMU ट्रेन मथुरा जंक्शन प्लेटफॉर्म आने से पहले पटरी से उतरकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच 3 अक्टूबर को कौशल विकास निगम घोटाला मामले में प्राथमिकी रद्द करने की तेलुगुदेशम पार्टी TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले बुधवार को न्यायाधीश SVN भट्टी ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण में निर्वाचित दिल्ली सरकार की जगह उपराज्यपाल को वरीयता देने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बुधवार को दोनों पक्षों को दलीलें मिलाकर दाखिल करने का आदेश दिया है। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान बीमार हुए वायुसेना के जवान को खून चढ़ाए जाने के बाद HIV संक्रमण हो गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस लापरवाही के लिए कोर्ट ने वायुसेना और सेना को जिम्मेदार बताया। ओडिशा हाईकोर्ट ने पुरी श्रीमंदिर रत्न भंडार से जुड़ी रिट याचिका पर सुनवाई पूरी की। याचिकाकर्ता ने रत्न भंडार को खोलने और मरम्मत की आवश्यकता के संबंध में पर्याप्त तर्क उपस्थित किए। झारखंड हाईकोर्ट ने चर्चित विनोद सिंह की हत्या में उम्र कैद के सजायाफ्ता रामाधीर सिंह की क्रिमिनल अपील खारिज कर दी है। साथ ही धनबाद की निचली अदालत द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। शेयर बाजार में बुधवार को तेजी दर्ज की गई और बेहद उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स शुरुआती गिरावट से उबरने के बाद बंद हुआ। इससे पिछले 2 कारोबारी सत्रों में बाजार में गिरावट देखी गई थी। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि कारोबार के आखिरी 1 घंटे में खरीदारी से बाजार को समर्थन मिला और सेंसेक्स 173.22 अंक चढ़कर 66,118.69 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 भी पॉजिटिव रुख के साथ बंद हुआ। निफ्टी गिरावट के साथ 19,637.05 अंक पर खुला। अंत में निफ्टी 51.75 अंक चढ़कर 19,716.45 पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में L&T के शेयर में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। साथ ही ITC, सनफार्मा, मारुति, रिलायंस, एक्सिस बैंक, विप्रो, इन्फोसिस समेत 21 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए। टाइटन के शेयर सबसे ज्यादा 1.24% फिसलकर बंद हुआ। साथ ही SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और टाटा स्टील समेत 9 कंपनियों के शेयर गिरावट में बंद हुए। एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई और हांगकांग हरे निशान में बंद हुए। यूरोप के ज्यादातर बाजार पॉजिटिव रुख के साथ कारोबार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर WTI कच्चा तेल 1.63% की तेजी के साथ $91.86 प्रति बैरल हो गया, जबकि ब्रेंट क्रूड का दाम 1.35% की तेजी के साथ $95.23 प्रति बैरल पहुंच गया है। सराफा बाजार में सोना चांदी सस्ता हुआ है। सस्ता होने के बाद भी सोने की कीमत 58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। गूगल भारत में एक भूकंप अलर्ट सेवा शुरू करेगी। ये सेवा एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेंसर का उपयोग करके भूकंप का अनुमान और उसकी तीव्रता का पता लगाने का काम करेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी कामकाजी आबादी और मजबूत भौतिक एवं डिजिटल संस्थानों की मौजूदगी से भारत के लिए अब उड़ान भरने का वक्त आ गया है।
केंद्र सरकार ने कहा कि कोयला मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा खदान जल संसाधनों के सतत इस्तेमाल से 9 राज्यों के 981 गांवों के 17.7 लाख लोगों को फायदा पहुंचा है। IATA ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 3 अक्षरों वाले कूट नाम का आवंटन कर दिया है। हवाई अड्डे की मुख्य परिचालन अधिकारी CEO किरण जैन ने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए DXN कूट नाम आवंटित किया है। आरसेलर मित्तल के कार्यकारी चेयरमैन लक्ष्मी निवास मित्तल ने भरोसा जताया कि AMNS इंडिया की हजीरा परियोजना 2026 तक चालू हो जाएगी। फिलहाल परियोजना विस्तार के चरण में है। अपोलो अस्पताल ने पूर्वी क्षेत्र में अपनी स्वास्थ्य देखभाल क्षमता का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में 325 बिस्तर के आंशिक रूप से निर्मित अस्पताल का अधिग्रहण किया है। इटली के कुख्यात माफिया माटेओ मेसिना डेनारो की कैंसर से मृत्यु के बाद उसका शव सिसली में उसके घर वालों को सौंप दिया गया। 61 वर्षीय डेनारो कई हत्याओं का दोषी था और 30 सालों तक फरार रहने के बाद उसे जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। जापान के शीर्ष प्रवक्ता हिरोकाजू मात्सुनो ने कहा है कि जापान फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र से रेडियोधर्मी पानी को समुद्र में छोड़े जाने के मुद्दे पर चीन का साथ देने की रूस की घोषणा की जाँच करेगा। इराक के नीनेवे प्रांत के हमदानिया जिले में एक शादी की पार्टी में आग लगने से 100 से अधिक लोग मारे गए और 150 लोग घायल हो गए। राज्य मीडिया के अनुसार आतिशबाजी के कारण ये घटना हुई। इराक में आगजनी की घटना के बाद अपनी लापता मां को ढूंढने निकला एक शख्स अचानक उनके कपड़ों को देख जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। ताज़ा हालातों में भी US मेक्सिको सीमा पर प्रवासियों का आना जाना लगातार जारी है। बीते सप्ताह में बड़ी संख्या में प्रवासी मेक्सिको से अमेरिका आए हैं। आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए ये जो बाइडेन के लिए मुसीबत का कारण बनता जा रहा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के तटरक्षकों द्वारा बीजिंग के लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को काटने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन उस क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेगा जहां फिलीपींस ने बीजिंग द्वारा लगाए गए फ्लोटिंग बैरियर को काट दिया है। फिलाडेल्फिया में किशोर लुटेरों के एक बड़े समूह द्वारा दुकानों में तोड़फोड़ और लूट मचाने के बाद एक दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना मंगलवार को हुई थी। बुल्गारियाई सैनिकों ने नाटो के उद्देश्य की मजबूती व साथ काम करने की क्षमता में सुधार के लिए 6 नाटो सहयोगियों के साथ सैन्य अभ्यास किया। मंगलवार को हुए इस अभ्यास में तोपखाने से हमले रोकना और हेलीकॉप्टर द्वारा घायल कर्मियों को निकालना शामिल रहा। वॉर्सो के प्रतिबंध बढ़ाने के फैसले पर दोनों देशों के बीच पनपे विवाद के बाद आज पोलैंड के कृषि मंत्री रॉबर्ट टेलस ने कहा कि अनाज आयात के बारे में यूक्रेन के साथ बातचीत पटरी पर है। हालांकि टेलस ने यह भी कहा कि यूक्रेन को WTO में पोलैंड के खिलाफ की गई शिकायत वापस लेनी चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका द्वारा चीन पर शिनजियांग क्षेत्र में जबरन श्रम का आरोप उसे बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाया गया है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात का एक रिसर्च सेंटर एक ऐसी तकनीक का उपयोग करके कार्बन उत्सर्जन को सीमित और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयोग कर रहा है जो ग्रीन वेस्ट को चारकोल जैसी सामग्री में बदल देता है। इसे बायोचार कहा जाता है। मैक्सिको के ग्रामीण इलाके में 2014 में 43 छात्र शिक्षकों के लापता होने के 9 साल पूरे होने पर प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिको सिटी में मार्च निकाला। सरकार अब तक ये मामला सुलझाने में नाकामयाब रही है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी सैनिक ट्रेविस किंग को निष्कासित करने का फैसला किया है। इससे पहले ट्रेविस ने कबूल किया था कि उसने देश में अवैध रूप से सीमा पार की। यूक्रेन के डोनियास्क क्षेत्र में अग्रिम मोर्चे पर लड़ रहे यूक्रेनी सैनिकों ने कहा कि रूस के ड्रोन यूक्रेन की तोपखाने के लिए काफी भयावह हैं। फ्लोरिडा में आज तूफान इयान के आने का एक वर्ष पूरा हो गया है। इयान श्रेणी 4 का एक विनाशकारी तूफान था जिसने फ्लोरिडा के खाड़ी तट पर तबाही मचाते हुए 100 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। ब्रिटेन के रोजबैंक तेल क्षेत्र को हरी झंडी देने के फैसले पर वहां के जलवायु अभियान समूहों ने आलोचना की है। इस पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि पर्यावरणविदों के विरोध के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा हमारी प्राथमिकता थी।
टूनिशिया के शहर कैरवान में मुस्लिम लोगों ने इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मौलिद अल नबी बनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कोसोवो पुलिस ने रविवार को हुए घातक गोलीबारी के 3 दिन बाद आज भी बंजस्का गांव की ओर जाने वाली सड़क पर अपना पहरा जारी रखा है, साथ ही घटनास्थल पर जांच लगातार जारी है। सऊदी अरब के राजदूत नायफ अल सुदरी ने इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर रामल्ला में फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद शतिये से मुलाकात की। इस यात्रा को फिलिस्तीनियों ने ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है। राजकोट में खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के 353 रन के जवाब में भारतीय टीम 286 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। वहीं भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की। एशियाई खेलों के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 8 पदक जीतने में सफलता पाई। कुल 22 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है। 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में भारतीय निशानेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए स्वर्ण पदक और कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत की सिफत कौर समरा ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के व्यक्तिगत वर्ग में आशी चौकसे ने कांस्य पदक हासिल किया। आशी ने कुल 451.9 अंक लेकर दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में भारत ने स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई। भारत के लिए मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिकड़ी ने स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के टीम वर्ग में भारतीय टीम ने रजत पदक जीतने में सफलता पाई। सिफत कौर समरा और आशी चौकसे और मानिनी कौशिक ने देश के लिए ये रजत पदक जीता। पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम गुरजोत सिंह और अनंतजीत सिंह और अंगदवीर सिंह इसमें शामिल थे। तीनों ने कुल 355 का स्कोर बनाकर तीसरा स्थान हासिल किया। महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग में भारत को रजत पदक मिला है। भारत की ईशा सिंह ने रजत पदक हासिल किया। ईशा ने 33 अंक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अनंत सिंह नारुका ने शूटिंग में देश को एक और पदक दिलाया है। उन्होंने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में 60 में से 58 शॉट सही निशाने पर लगाए और रजत पदक अपने नाम किया। नौकायन में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला जारी है। भारतीय सेलर विष्णु सर्वानन ने डिंगी ILCA 7 में कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। विष्णु ने 34 नेट पॉइंट्स हासिल करके तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने इन खेलों में भारतीय दल के और पदक जीतने की उम्मीद जताई है। नेपाल की पुरुष टीम ने बुधवार को मंगोलिया के खिलाफ एशियाई खेलों के ग्रुप मैच के दौरान इतिहास रच दिया। नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन का अविश्वसनीय स्कोर बनाया। नेपाली बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह एरी ने युवराज सिंह के सबसे तेज T20 अर्धशतक के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दीपेंद्र सिंह एरी ने सिर्फ 9 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। नेपाली बल्लेबाज कुशाल मल्ला ने रोहित शर्मा और डेविड मिलर को पीछे छोड़ते हुए सबसे तेज T20 शतक बनाया। उन्होंने केवल 34 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। युवा स्ट्राइकर संगीता कुमारी की हैट्रिक के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल ए के अपने पहले मैच में सिंगापुर को 13-0 से शिकस्त दी। टेनिस में भारत का एक पदक पक्का हो गया है। रामकुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी की पुरुष युगल जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में चीन की झिजेन झांग और वू यिबिंग की जोड़ी को हरा दिया। दोनों खिलाड़ी अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। निखत ने महिला मुक्केबाजी के 50 किलोग्राम भार वर्ग में जीत हासिल की है। इस जीत के साथ ही निखत अब क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। वो एक और जीत हासिल करती हैं तो उनका पदक पक्का हो जाएगा। वुशु में भारत के लिए एक रजत पदक पक्का हो गया है। रोशी बिना नाउरेम देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जीत हासिल की। वो अब फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत के जी सांथियन और मनिका बत्रा ने मिश्रित युगल में थाईलैंड के नापत और सुथासिनी को हराया है। दोनों अब प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं।
भारत ने महिला स्क्वैश में मकाऊ को 3-0 से हराकर बड़ी जीत हासिल की। अनहद सिंह ने वेई व्यूंग को सीधे सेटों में 11-1, 11-6, 11-7 से हराया। इससे पहले जोशना चिनप्पा ने क्वाई लियू को सीधे सेटों में हराया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।